दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो कि आप अपने पसेंजर ट्रेन टिकट का यहाँ पर मोबाइल से टिकट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कि जब कहीं भी आप यहाँ पर फास्ट ट्रेन जैसे कि स्लीपर एसी या थर्ड एसी का आपको यहाँ पर टिकट निकालते होंगे, तो इजीली यहाँ पर आप अपने IRCTC एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट को बुक करके यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेवल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लोकल में कहीं आपको ट्रेवल करना है तो आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है आपको यहाँ पर टिकट निकालने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि लोकल ट्रेन का टिकट इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कहीं भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप अपने यहाँ पर स्टेशन जैसे ही पहुँचिएगा, उससे पहले ही आप आपका आपके मोबाइल पर यहाँ पर जहाँ का आपको ट्रेवल करना है, इजीली आप लोकल ट्रेन का टिकट आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बुक कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। लोकल ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो UTS एप्लीकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रेलवे का एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद इसे इसे ओपन करना है। ओपन करिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो भी परमिशन दे रहा है परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर जो कि टिकट बुक करने के लिए ऑप्शन काफ़ी सारे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें आपको ID क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर ऊपर में देख पा रहे लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख पा रहे आपको यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट टाइम इसे आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के द्वारा आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर जो कि देख पा रहे रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो ये रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें कि यहाँ पर देख पा रहे फर्स्ट में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना फुल नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पा रहे आपको एक पासवर्ड फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो इन केस यहाँ पर आपको पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पासवर्ड में यहाँ पर जो कि कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और साथ ही यहाँ पर कुछ स्पेशल करेक्टर और डिजिट होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि नीचे में देख पा रहे कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो इनमें यहाँ पर जो कि नीचे में आपको वही पासवर्ड को दोबारा से आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि आपको जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको अपना मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली नीचे में इंटर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम इन सभी डिटेल्स को सबसे पहले तो फिलअप कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हमने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। आपको भी यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेना है, और यहाँ पर जो कि आपको अपना लोकेशन भी ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पा रहे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इसको यहाँ पर जो कि एक्सेप्ट करना है। और नीचे में रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो कि देख पा रहे हमारा यहाँ पर जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आप सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो कि UTS ऐप में यहाँ पर आप लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर इजीली आप ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ही देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाया जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जनरल टिकट निकालने के लिए, साथ ही यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करके बुकिंग करने के लिए, या फिर क्विक बुकिंग और प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर सीजन टिकट भी आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कैंसिल टिकट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। शो टिकट का दिखाया जा रहा है, जो भी आप टिकट बुक करिएगा तो यहाँ से आपको इसमें दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर जो कि नेट खत्म हो जाता है टिकट लेने के बाद, यहाँ पर आपके पास नेट नहीं रहता है टिकट लेने के बाद, तो इजिली शो टिकट पर क्लिक करके बिना नेट के भी आप यहाँ पर TT आएगा तो यहाँ से आप टिकट दिखा सकते हैं। R वॉलेट में पैसे भी
कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने यहाँ पर प्रोफाइल दे सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर, मेल और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हैं। जब कभी भी यहाँ पर आप टिकट बुक करिएगा तो यहाँ से आप हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए नीचे में देख पा रहे आपको दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, नॉर्मल बुकिंग के नीचे बुक ट्रेवल पेपरलेस और बुक प्रिंट पेपर। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कि ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर टिकट इस प्रोसेस से बुक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मोबाइल में ही आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। और जब कोई भी आपके पास टीटी आएगा टिकट चेक करने के लिए तो मोबाइल से ही टिकट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सेकेंड देख पा रहे बुक प्रिंट पेपर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको टिकट बुक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे टिकट स्कैन करके दिया जाता है। तो वो आपको यहाँ पर पेपर वाला टिकट यहाँ से निकालने के बाद स्कैन करके लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो कि लंबा पड़ जाएगा आपको मोबाइल से बुक कीजिएगा तो यहीं आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बुक ट्रेवल पेपरलेस फर्स्ट ऑप्शन दिखाया जा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपार्चर का यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जहाँ से आप ट्रेन यानी कि ट्रेवल स्टार्ट करेंगे वो आपको स्टेशन इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका मोबाइल का लोकेशन जो कि ऑन रहेगा तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा। फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर जो कि एप्लीकेशन में लोकेशन ऑन करने के लिए ऑप्शन आएगा तो आपके लोकेशन से नज़दीक में जो भी स्टेशन होगा वही स्टेशन आपके पास यहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको कोई दूसरा स्टेशन यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यानी कि जिस स्टेशन के आसपास रहिएगा वही स्टेशन इसमें आप इजीली फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हम और देख पा रहे फर्स्ट में बिहियाँ स्टेशन दिखाया जा रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर कहाँ तक आपको ट्रेवल करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन में गो टू का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करके जहाँ तक आपको ट्रेवल करना है वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि आरा फिलअप किए हैं तो यहाँ से हम हाँ अपने यहाँ पर सर्च करके टाइप करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको अपना स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ट्रेन भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो कि अगली ट्रेन कब है, नेक्स्ट ट्रेन पर क्लिक करके यहाँ से आप ट्रेन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अभी के टाइम में आपको लोकल ट्रेन कब आने वाली है। यहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ पर ट्रेन का डिपार्चर टाइमिंग अराइवल टाइमिंग दोनों यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर टिकट बुक करने के लिए नीचे में यहाँ पर आपको डिपार्चर और गो टू का सेलेक्ट करने के बाद स्टेशन गेट फेयर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपसे फर्स्ट में ही देख पा रहे आपके पास यानी कि यहाँ पर एक ही साथ यहाँ पर आप 4 लोगों का भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे आपको अडल्ट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है यानी कि आपके साथ कितने लोगों का आप टिकट लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे तो एक साथ 2 लोगों का 3 लोगों का टिकट ले लेते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ से आप एक ही टिकट में आप और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिंगल पर्सन है तो वन आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास कोई बच्चा भी है तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टिकट टाइप में यहाँ पर आपको जनरल ही रहने देना है, उसके बाद ये आपको जो कि ध्यान देना है यहाँ पर जो कि देखे होंगे कि ट्रेन टाइप में यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिखाया जा रहा है, फर्स्ट में ऑर्डिनरी, मेल, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट। तो आपको यहाँ पर जो कि लोकल ट्रेन आपको पकड़ना है तो आपको ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको यहाँ पर जो कि सुपर फास्ट ट्रेन आपको पकड़ना है जिसमें कि सुपर फास्ट में भी आपको जनरल का ऑप्शन दिया जाता है तो वो भी यहाँ पर सुपर फास्ट सेलेक्ट करके यहाँ से उसका भी टिकट ले सकते हैं। तो हम लोग को लोकल ट्रेन का टिकट लेना है तो लोकल यहाँ से ऑर्डिनरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्लास में सेकेंड आने देना है। और यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसमें कि यहाँ पर देख पा रहे रेलवे वॉलेट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ से आप रेलवे का वॉलेट इसमें यहाँ पर ऐप में दिया जाता है उसमें पहले से आप कुछ पेमेंट ऐड करके यहाँ से आप यहाँ पर जो कि पेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप यूपीआई या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, या फिर डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर पेमेंट पे कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जो कि यूपीआई से पेमेंट पे करेंगे तो सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद फाइनली नीचे में देख पा रहे बुक टिकट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका टोटल फेयर भी दिखाया जा रहा है कि कितना आपका यहाँ पर जो कि टिकट का चार्ज रहेगा, साथ ही बुक टिकट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो कि देख पा रहे आपको टिकट बुक करने के लिए आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पर देख पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर जो कि यूपीआई से आप पेमेंट पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, हम जैसे कि फोन पे से पेमेंट पे करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे में पे का ऑप्शन है इस पर आपको
क्लिक करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि पेमेंट पे करने के लिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर पेटीएम से। अगर आप यहाँ पर फोन पे से पेमेंट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे में यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट का ऐप आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो कि देख पा रहे आपका यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। नीचे में देख पा रहे आपको कि यहाँ पर फोन पे गूगल पे से यहाँ पर किससे माध्यम से आप पेमेंट पे करना चाहते हैं। जैसे कि हम फोन पे से पे करेंगे तो यहाँ पर आपको फोन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे आपका पेमेंट पेड करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, पे पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना यूपीआई पिन फिलअप करके यहाँ से पेमेंट पेड करना है। और जैसे ही यहाँ पर जो कि पेमेंट पे करिएगा तो यहाँ पर जो कि देख पर आपको थोड़े समय के लिए वेट कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो कि नीचे में देख पर आपका यहाँ पर जो कि प्रोसेसिंग किया जा रहा है आपका यहाँ पर टिकट जनरेट करने के लिए, आपको यहाँ पर 1 से 2 सेकंड के में ही आपका यहाँ पर जो कि लोकल ट्रेन का टिकट इजिली जनरेट होकर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हम लोग का यहाँ पर जो कि टिकट जनरेट होकर आ गया है। देख पा रहे हैप्पी जर्नी का ऑप्शन आ गया है, नीचे में यहाँ पर आपका टिकट जो कि बुक हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे सभी डिटेल्स दिखाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक टिकट लिखे हैं और कितना हमारा यहाँ पर जो कि पेमेंट लगा है वो भी ऊपर में दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ऑप्शन जो कि मोबाइल में ही दिया गया है, इसको यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लीजिएगा तो स्क्रीन शॉट लेकर किसी दूसरे के पास शेयर नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर आपको मोबाइल में ही ये टिकट दिखाना है। अगर आपको यहाँ पर जो कि टिकट ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो कि अगर आपका यहाँ पर नेट खत्म होता है, जैसे कि हम यहाँ पर नेट बंद कर दे रहे हैं फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो कि लॉग इन कर पे, जैसे कि हम इसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पा रहे आपको यूटीएस ऐप को एप्लीकेशन को ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको डाटा खत्म है फिर भी यहाँ पर आपको देख पा रहे शो टिकट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से व्यू टिकट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बिना नेट के भी हम यहाँ पर जो कि टिकट टीटी आने के पर दिखा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने लोकल ट्रेन का टिकट आप अपने मोबाइल फोन से ही ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।